एक दिन सुबह बाबा ने आश्रम के लोगों से कहा, तुम लोग ना तो हमें खिला सकते हो और ना ही हमारी देखभाल कर सकते हो। हम माँ के पास जाएंगे, वो हमें खिलाएंगी। और वो माँ नंदीमई के आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते भर बोलते गए, वो हमें खिलाएंगी, हम माँ के पास जा रहे हैं, वो हमें खिलाएंगी। वहाँ पहुँच कर वो दर्शन कक्ष में 5 साल के बालक की तरह तेज़ी से घुसे। उनकी कंबल तेज़ी से उड़ रहा था, माँ वहाँ बैठी थी और वो कहते जा रहे थे, माँ हमें खिलाएंगी, हमें खिला माँ। वो ज़ोर से हंस पड़ी। उनके लिए ढेर सारा भोजन लाया गया, उन दोनों ने उसे सभी भक्तों में वितरित कर दिया। बार बार हमें यही आदेश देते कि लोगों को खिलाओ। उनका आदेश केवल अपने भक्तों को ही खिलाने से नहीं होता, वरन उन सभी लोगों से होता जो भूखे होते। वे कहा करते थे, ईश्वर भूखे के पास ईश्वर के रूप में आता है। रसोइयों से कहते, भोजन बनाना ईश्वर की सेवा है, जीवित रहने के लिए लोगों को भोजन चाहिए। वो कहा करते थे, तुम्हें प्रत्येक की हर प्राणी की सेवा करनी चाहिए, वह सब ईश्वर की सृष्टि है, हर एक की सेवा करो चाहे वो कैसा भी हो। यदि वो भूखा तुम्हारे पास आता है तो उसे खाना खिलाओ। वे अक्सर कहते, प्रत्येक को भोजन का अधिकार है। उनके आश्रम में जो भी व्यक्ति आता भोजन अवश्य कराया जाता उसे। बाबा का आदेश था कि भूख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन के लिए रुकना ना पड़े, ऐसे भूखे व्यक्ति को तुरंत खिलाना चाहिए। जब विशाल भंडारा रहता तब हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते, तो कई भक्तों में भोजन बनाने और प्रसाद बनाने में सहायता करने की होड़ लगी रहती। बाबा को माँ अन्नपूर्णा की सिद्धि थी, इसलिए उनका भंडारा हमेशा भरा रहता। खाने वाले चाहे कितने भी हों, सबको भरपेट प्रसाद मिलता। जय हो नीम गरुरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।